अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा, आज जो है ना वो मेरी किचन में बज़ाहिर तो एक बहुत ही मासूम सी डिश बन रही है जिसका नाम है मिक्स वेजिटेबल्स, लेकिन इसको जो है ना वो हम थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे ताकि जो रोज़मर्रा की जो हमारी सब्जियां होती हैं खा खा के एक ही तरह की सब्जी दिल भर जाता है, तो थोड़ा सा ना हम इसको चेंज करके बनाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये आपके बच्चों को, आपके पूरे घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाली है, स्पेशली बच्चों को। चीज़ों को अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया जाए ना तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो जो आज जो है ना वो, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में बहुत अच्छी होती हैं सब्जियां वगैरह, तो मैंने क्या किया था, कैरेट, आलू और गोभी, इन तीनों को मैंने धो के काट लिया था। अच्छा, आलू मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं, शौक से खाते हैं। और गोभी जो है ना वो आपने इस तरीके से काटनी है, ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, वरना इन्होंने आपस में लड़ लड़ के ना मलीदा बना देना है एक दूसरे का। इसलिए गोभी जो है ना वो आप लोगों ने इस तरीके से बड़ी बड़ी काटनी है, इससे क्या होगा, खिली खिली सब्जी बनेगी, सब्जी को ओवर कुक नहीं करना। साथ में यहाँ पे मैंने चिकन के थोड़े से क्यूब्स ले लिए थे, कट कर लिया है, और बोनलेस ही लेनी है आपने। 1 कप जितने मेरे पास मटर हैं, ये बॉयल्ड एंड पील्ड हैं। तो चले इस रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑयल जो है वो मैं गरम करना रखती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी ये चीज़ दिखाने लगी हूँ आज, मिट्टी की कढ़ाई। तो इसमें जो है ना वो आज हम लोग सब्जियां बनाएंगे, थोड़ी सी हैं लेकिन खुले बर्तन में बनाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छी खिली खिली हुई बनेंगी। अगर आप इसको छोटे और तंग बर्तन में बनाएंगे ना तो उन्होंने आप बहुत बुरा हाल, अंदर दंगल कर देना है उन्होंने, तो इसलिए आप खुले और चौड़े बर्तन में बनाएं। ऑयल को मैं डाल देती हूँ इसमें और ऑयल गरम करते हैं। जब तक है वो मैं प्याज लूँगी और उसको बारीक चॉप करूँगी। यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप जितना जो है वो मैं ऑयल डाल रही हूँ, अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल दूँगी। ठीक है, तो मैं अनियंस को कट करके वापस आती हूँ। ये देखिए जी, अनियंस को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है और यहाँ पे जो है ऑयल भी तकरीबन गरम बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन है ना उसे गरम होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज, लेकिन हमने इसको चॉप करके इसमें डाल दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये है फ्रेशली, आपको पता है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ, साथ में मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी थी और इनका पेस्ट बना लिया था। सुबह से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब गैस आएगी और मैं जो हूँ ना वो अपनी हांडी बनाऊंगी। वैसे तो मेरे पास सिलेंडर था बट मैंने जो कहा कि सिलेंडर के ऊपर हांडी रख के तो मैं बिल्कुल नहीं वीडियो बना सकती, तो बेहतर है कि गैस का वेट कर लो। अच्छा, अनियंस को ना वो हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन करेंगे, फिर मैं वापस आती। अच्छा, जब तक प्याज जो है ये थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टमाटर्स को जो है वो मैं काट लूँगी। टमाटर्स यहाँ पे मैं टमाटोज़ को बारीक चॉप कर लूँगी। ठीक है, आप चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं बट वेजिटेबल्स में जो है ना वो कटी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं इसको काट के वापस आती हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो प्याज हैं वो लाइट से सॉफ्ट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, लहसुन अदरक एंड हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे साथ साथ। 1/2 टीस्पून जो है मिर्च में नमक डाला है मैंने, सॉरी 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना है सूखा धनिया, 1 टीस्पून है मेरे पास जीरा। एक तो मुझे जीरा इतना पसंद है ना, मैं ठूस ठूस के डालती हूँ हर हांडी में। इसके बाद है मेरे पास ये 1/2 टीस्पून जितनी डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भर के डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर करेंगे। अच्छा, यहाँ चिकन को हमने 2 से 3 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं इसकी धुनाई करनी क्योंकि ये है बोनलेस चिकन, तो फिर सब्जियों के पकते पकते इसमें बिल्कुल ही फौत हो जाने अंदर। और यहाँ पे जो इस रेसिपी का ट्विस्ट था वो यहाँ उल्टा लटक रहा है, असल में मैंने इसको ना जल्दी में गलत तरीके से काट लिया। ये है जी अचार गोश्त का मसाला, ये है इस रेसिपी का ट्विस्ट।
इसमें हम थोड़ा सा जो है ना वो अचारी टेस्ट देंगे, जिसकी वजह से ये हो गई है अचारी मिक्स सब्ज़ी। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी बनती है, एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपके बच्चों ने कहना है अम्मा हूँ सानू ए ही खवा, अगर आपके बच्चों ने ना खाई ना तो पैसे वापस, ठीक है। अब ये जो है चिकन भून गया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैंने अचार गोश्त का मसाला डाला था। और उसके बाद यहाँ पे है 2 टमाटर थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये अब जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और टमाटर डाल के हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढकेंगे और उसके बाद इसको भुनाई करेंगे इसको हम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें चिकन जो है वो ऑलमोस्ट भुन चुकी है और मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो भुन गया है। ज़्यादा इसको नहीं भूनना क्योंकि सब्जियाँ भी हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हमारी गल जाएंगी मसाला भूनते भूनते। अच्छा, अब हमने इसके अंदर ये सब्जियाँ ऐड कर देनी हैं। मटर हम लोग थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे क्योंकि वो बॉयल है। अब सब्जियों के साथ ना मैं इसको लाइक मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको भूनूंगी, ठीक है। यार इतनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है ना, दिल करे बस मैं ऐसे ही खा लूँ। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि हर चीज़ में चिकन ठूसते हैं हम लोग, तो वो इसलिए कि अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो अगर आप थोड़ा सा चिकन वगैरह डाल देंगे तो वो शौक से ज़्यादा शौक से खा लेंगे। वैसे टू बी ऑनेस्ट बच्चों का तो सिर्फ बहाना ही होता है, चटोरे तो हम खुद पूरे हैं। खैर, इसको जो है वो मैं भुनाई करती हूँ इसके अच्छे से, फिर भून के इसको वापस आ। चलिए देखें, सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से भून गई है। अच्छा, सब्ज़ी को भूनने में ना आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना है ताकि गलने में जो है ये ज़्यादा टाइम ना ले, और इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है। जितना हम लोग यूजली रूटीन में सब्ज़ी को बहुत एक्स्ट्रा गला देते हैं, उस तरीके से हमने इसको नहीं गलाना, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखनी है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे। और अगर आपके घर में नहीं खाते पसंद नहीं करते बड़ी बड़ी सब्ज़ी या कुछ, तो फिर भी ज़बरदस्ती है आपने इनको एक दफ़ा ये वाली ज़रूर ट्राई करवानी है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्की आँच पे 10 से 15 मिनट का दम दूँगी, उसी दम में ये गल जाएंगी सब्ज़ियाँ। ये देखें, यहाँ पे तकरीबन जो है वो मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला था, और अब इन सब्ज़ियों को जो है ना वो मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के रख रही हूँ। जी ये देखें, यहाँ पे जो पानी था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी गल गई हैं। अब मैं इसमें डालूँगी जो मिक्स सब्ज़ियों का मेन इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बगैर ना मिक्स सब्ज़ी ऐसी है जैसे गैस के बगैर सर्दियाँ। मुझे आजकल जो है वो गैस फोबिया हुआ है, बस गैस आ जाएगी, गैस चली जाएगी, गैस में कब आना है, गैस नहीं आ रही, बहुत तंग किया भाई। अच्छा, और यहाँ मैंने इसके अंदर जूलियन कट में हरी मिर्ची भी काट के डाल दी हैं, इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें सिर्फ 2 मिनट का दम देंगे, हल्की सी जो है ना ये थोड़ी सी गल जाए, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी क्रंची रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे। एक तो इसका ढक्कन इतना भारी है, ऊपर से सही फुल गर्म हुआ है, ठीक है जी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको 2 से 3 मिनट का दम देना है। अच्छा, ये आज जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स थोड़े से मुझसे मिस हो रहे हैं। ये एक लेमन इसके ऊपर हमें स्क्वीज करना है, ठीक है, ऑप्शनल है, आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करें कि बच्चों ने खाना है और आजकल जो है वो खांसी और जुकाम वाला सीज़न है तो आप बेशक स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून जितना मोटी इलायची जो है जिसको हम ब्लैक कार्डमम कहते हैं उसका पाउडर, और 1 टीस्पून ये इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट का दम लगाऊंगी, फिर लास्ट में हम इसमें धनिया डालेंगे। चलें जी, अब बारी आती है इसको ओपन करने की। अल्लाह, ऐसी ऐसी खुशबू आ रही है ना कि बस काश के वीडियो के बीच में से आपको ये खुशबू सुंघा सकती मैं। अच्छा, अब इसमें मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, और धनिया ऐड करने के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। धनिए को फ्रेश ही लगना चाहिए। ये देखें जी, हमारी हसीनो जमील सी एक नए ट्विस्ट के साथ वेजिटेबल जो है अचारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ज़रूर बनानी है आपने ये, मैं बार बार कह रही हूँ।
ये देखें जी, लजीज से मिक्स सब्जियां और साथ में सुनहरे सा पराठा। मिक्स सब्जियों के साथ अगर आप पराठा बनाएंगे ना, तो उफ चार चांद लग जाने हैं, फिर तो आपके बच्चों ने आपके माथे चूम लेने हैं सच में। तो आई होप यू लाइक द रेसिपी। दुआ में जरूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।